नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो बहुत दिनों से बहुत सारे बंदे हैं जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे DM मैसेज कर रहे थे कि भाई एक रक्षाबंधन से रिलेटेड कुछ अलग और कुछ धमाकेदार वीडियो लाया जाए। तो फाइनली आज वो समय आ गया है, वो घड़ी आ गया है जब मैं आपको एक कमाल का वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप प्रीव्यू को वॉच कर लो। एंड आफ्टर वॉच दी प्रीव्यू हम चलते हैं सीधे मोबाइल स्क्रीन पे, एंड वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे इस वीडियो को एडिट किया जा सकता है। ओके, देन हम सबसे पहले लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर देंगे। बाकी यहाँ पे अगर आपको PNG डाउनलोड करना है तो पीनेट टेस्ट एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना। एंड आपको वहाँ से बैकग्राउंड इरेज करना है तो बैकग्राउंड इरेजर नाम का एक प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिलता है, आप उसे डाउनलोड कर लेना। ओके, प्लस के सेक्शन पे टाइप करेंगे 4:5 का रेशियो लेकर आपको बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना है। देन क्रिएट प्रोजेक्ट पे टाइप करो, प्लस के सेक्शन पे टाइप करो, मीडिया पे टाइप करो। एंड सबसे पहले देखो ये वाला हमने डाउनलोड करा था पिनट्रेस्ट एप्लीकेशन से, एंड इसका जो बैकग्राउंड था बैकग्राउंड को हमने बैकग्राउंड इरेजर से रिमूव करा। ओके, देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे टाइप करके साइज को हल्का डिक्रीज करेंगे। साइज को डिक्रीज करने के बाद इसे हम ऊपर मिले जाएंगे। एंड देखो हाँ, अब यहाँ पे आपको अच्छे ढंग से समझना, नीचे में थोड़ा सा वाइप इफेक्ट देना है। वाइप इफेक्ट का मतलब क्या होता है? धुंधलापन, नीचे में थोड़ा सा धुंधलापन होना चाहिए। इसके लिए आपको इफेक्ट के लेयर पे, फोटो के लेयर पे टैप करना है, इफेक्ट पे टैप करना है, एड इफेक्ट पे टैप करना है। आपको सर्च करना है WIPE। ओके, WIPE इस पर टैप करो, स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप करो, एंड वाले सेक्शन पे आओ, एंड वाले सेक्शन को हल्का आपको डिक्रीज करना है। इस तरीके से हम डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करने के बाद आपको एंगल पे आना है, एंगल को आपको 90 करना है। आप वहाँ फोटो को देखो, फोटो क्रॉप हो रहा है, एंगल को आपको 90 रखना है। ओके, एंगल को हमने 90 रखा। देन नीचे जाएंगे फीडर वाले सेक्शन पे, फीडर को हम हल्का बढ़ाएंगे तो नीचे धुंधलापन जैसा हो चुका है। ओके, समझ रहे हो ना, नीचे धुंधलापन जैसा हो गया। चलो, फिर पहला मेरा लैटिस क्या था, ये बंधन तो इस तरीके से ये बंधन तो। देन अलाइनमेंट वाले सेक्शन पे टैप करके आपको रोबोटो रेगुलर वाले सेक्शन पे टैप करना है। न्यू वॉल्ट डिजनी एक फॉन्ट है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे, साइज को हल्का बढ़ाएंगे इस तरीके से। देन हम ओके पे क्लिक कर लेंगे। ओके, इजी है ये बंधन तो, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक हो जाने के बाद एंड, हाँ, इमेज में आपको एक थोड़ा सा ना यहाँ पे बॉर्डर एंड शैडो का सेक्शन, इस पर टैप करके शैडो को इनेबल कर लेना है इमेज में, तो थोड़ा बहुत शैडो बाहर जैसे निकलेगा तो अच्छा लगेगा। हाँ, अब हमें काम करना है इस पर टेस्ट पे, तो टेस्ट पे काम कैसे करेंगे, इस पर टैप करो, एंड यहाँ पे बॉर्डर एंड शैडो का एक सेक्शन, इस पर टैप करो, स्ट्रोक को इनेबल करना है, एंड 1.5 करेंगे स्ट्रोक को, 1.5। ओके, ज़्यादा कम हो गया, हाँ ज़्यादा हो गया, नहीं नहीं ठीक था, हाँ 1.5। एंड फिर से आपको जाना है टेस्ट स्पेसिंग में, एंड यहाँ से TEXT इफेक्ट में गया, टेस्ट स्पेसिंग में आया TEXT इस तरीके से, टेस्ट स्पेसिंग, इस पर टैप करके स्टैंडर्ड शेडिंग पे टैप करना। लेटर स्पेसिंग को हल्का से इंक्रीज करेंगे ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा टैप कर लगे, थोड़ा सा सड़ा हुआ था तो अच्छा नहीं लग रहा था। ओके, देन फिर से एक इफेक्ट लगाएंगे, यहाँ पे एड इफेक्ट पे जाएंगे, इस बार हम सर्च करेंगे, नहीं इसी में जाते हैं, देखो यहाँ पे कलर एंड लाइट का जो सेक्शन है इस पे जाएंगे, एंड लॉन्ग शैडो का एक सेक्शन है, लॉन्ग शैडो पे जाएंगे, स्टैंडर्ड शेडिंग पे जाएंगे, एंड लॉन्ग शैडो को हम 0.010 रखेंगे, 0.010। ओके, नहीं 10 रखना चाहिए था क्या, नहीं, हाँ 0.015 रखना है। ओके, देन एक्सपोर्ट वाले सेक्शन पे टैप करके करंट फ्रेम SPNG, देन एक्सपोर्ट, काफ़ी इजी है। इस तरीके से आपको चार बना लेने हैं, चार नहीं, आपको लैरिक्स के अकॉर्डिंग बना लेने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया। दोनों को मैं सबसे पहले डिलीट करता हूँ, ये बंधन तो, उसके बाद क्या था, ये प्यार का बंधन है, देखो ये बंधन तो, देखो ये एक ये बनाया था हमने, और मैं आपको बताता हूँ, देखिए ऐसे ऐसे करके मैंने चार बनाए थे, ये बंधन एक ही दोबारा आ गया, देखो ये बंधन तो प्यार का बंधन है, दूसरा है ये, और ये तीसरा है। देखो इस तरीके से हमने तीन चार लैरिक्स के अकॉर्डिंग हमने बनाए थे, यहाँ पे देख लो मैं आपको चारों बता देता हूँ। इस तरीके से हमने चार बनाए थे, मेरे पास चार ही लैरिक्स थे तो हमने चार ही लैरिक्स पे बनाए। आपको 6, 7, 8, 9 जितने लैरिक्स आपको लिखने हैं सभी लैरिक्स को ऐसे लिखना है आपको। ओके, सभी लैरिक्स को आपको लिखना है, एंड ऊपर में इमेज आपको इस तरीके से ऐड कर लेना है। चलो, यहाँ तक काम खत्म हो चुका। प्लस के सेक्शन पर टैप करेंगे, 9:16 का रेशियो, बैकग्राउंड को हम फाइट करेंगे, देन क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करना है आपको,
प्लस के सेक्शन पे टैप करो, मीडिया पे टैप करो। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉन्ग ऐड करना है, तो सॉन्ग ऐड करने के लिए हम वीडियो ऐड करेंगे, है कि नहीं? ओके, सॉन्ग ऐड करने के लिए हम वीडियो ऐड करेंगे। तो चलो ये मेरा वीडियो है एंड इसमें से एक्सट्रैक्ट ऑडियो, एक्सट्रैक्ट ऑडियो देन डिलीट। अब यहाँ पे आपको आपको अब ध्यान से सुनना है और बीट लगाना है। जैसे हम बीट लगाएंगे, हम ध्यान से तो सुन लें, मुझे पता है कहाँ कहाँ पे बीट होने वाला है, एक इतने सेकंड पे, एक इतने सेकंड पे, एक लास्ट में। हाँ, आप सुन लेना ध्यान से, उसके बाद बीट लगा लेना। प्लस के सेक्शन पे टैप करो, मीडिया पे टैप करो एंड जो जो इमेज आपने बनाया है, तो ये बंधन तो एंड जाएंगे मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पे एंड एक्स वाई वाला सेक्शन पे जाएंगे, इसे यहाँ करेंगे एंड जेड वाले सेक्शन पे जाकर आपको इससे हल्का सा डिक्रीज करना है साइज़ को। साइज़ यहाँ से भी डिक्रीज होता है, आप यहाँ से कर लेना, जेड वाले सेक्शन पे टाइप करके यहाँ से आप डिक्रीज कर लेना इस तरीके से एंड फिर एक्स वाई में जाना, एक्स वाई में जाना, इसे यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। चलो ये पहला हो गया एंड इसे हम इन तक इंक्रीज करेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसा समझिएगा। फिर से सेकंड वाले को जाएंगे, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, इसे यहाँ पे ऐड करेंगे, जेड वाले सेक्शन पे टैप करके, यहाँ पे जेड का सेक्शन देखने को मिला है, इस पर टैप करके इसे डिक्रीज करेंगे, साइज़ को हल्का सा डिक्रीज करेंगे। चलो ये सेकेंड नंबर पर चला गया, चलो इसे भी हम इन तक कर देंगे इस तरीके से। आपको सेकेंड हो गया, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का ये है क्या, नहीं जन्मों का ये था, जन्मों का एंड मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पे जाना है, इसे यहाँ पे ऐड करेंगे, जेड वाले सेक्शन पे टैप करके इसे हल्का सा डिक्रीज करेंगे साइज़ को एंड एक्स वाई में लाकर यहाँ पे हम इसे ऐड कर देंगे। चलो ये मेरा तीसरा हो गया, तीसरा लैरिक्स। अब चौथे लैरिक्स में जाएंगे एंड ये संगम है, ये तो ऑलरेडी छोटा ही है, तो इसे हम यहाँ पर रखेंगे। देखो मैं जहाँ पे आपको बता रहा हूँ वहाँ पे समझिएगा, साइज़ को सबसे पहले डिक्रीज करके यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे कॉर्नर में छिपा देंगे इसे। ओके, इस तरीके से मेरे पास चार थे तो चार हमने कर लिए। अब समझिएगा अच्छे से, प्लस के सेक्शन पे टैप करना है, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट वाले सेक्शन पे टैप करके यहाँ पे एक आपको कैमरा का सेक्शन देखने को मिल रहा है, कैमरे को आपको इनेबल करना है। नहीं इनेबल हुआ, फिर से इस वाले सेक्शन पे टैप करके, इस वाले सेक्शन पे टैप करके कैमरा को कर लेना इनेबल, यहाँ पे इनेबल, हरा दिख जाए तो इनेबल हो गया। एंड उसके बाद आपको नीचे में यहाँ पे दिख रहा है कैमरा ऑप्शन, कैमरा ऑप्शन पे टैप करना, ये बीच में जो सेक्शन बना हुआ है सर्कल टाइप का कुछ ऐसे ऐसे भाग में कटा हुआ, इस पे टैप करके यहाँ जो फोकस डिस्टेंस है ये 1663 है, आपको इसे 1730 करना है, 1730। ओके, तो 1730 एंड देन नीचे में डेप्थ ऑफ फील्ड, इस पर टैप करके इसे हम करेंगे 230, इसे हम रखेंगे 230। ओके, एंड देन यहाँ से आपको फोकस ब्लर है, फोकस ब्लर को इनेबल आपको कर लेना है, फोकस ब्लर को आपको इनेबल कर लेना है। चलो फिर सही है, देन अब यहाँ का काम हो चुका है। अब इस वाले सेक्शन पे टैप करके ना आपको एक स्टार्टिंग पोर्शन पे की देना है, देखो यहाँ यहीं पे एक स्टार्टिंग पोर्शन पे की देना है एंड एक फर्स्ट बीट पे जहाँ पे मेरा पहला लैरिक्स था वहाँ पे कितना है एंड जो स्टार्टिंग पोर्शन है उसे हम 1500 करेंगे। यहाँ पे देखो 1500 रखेंगे, 1500। ओके, 1500। हाँ, एंड जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले को हम रखेंगे 1600, इसे डिक्रीज करके 1600 रख लेंगे। चलो सही है, अब देन फिर से बैक जाएंगे एंड मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पे टैप करके आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक यहाँ पे की दो, 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 जहाँ जहाँ पे आपका लैरिक्स है। अब देखो जो आपका सेकंड की है यहाँ पे मत कुछ, यहाँ पे छेड़खानी नहीं करना है, यहाँ पे छेड़खानी करना है फर्स्ट वाले की पे, यहाँ पे तो जहाँ पे आपने बीट लगाया वहाँ पे छेड़खानी करना है। अब आपको कैसे करना है छेड़खानी मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले इस वाले जो आपका पहला लैरिक्स था उसे हम स्क्रीन पे लाते हैं इस तरीके से बीच में। अभी तो आपको जूम ब्लर जैसा दिख रहा है, जेड वाले सेक्शन पे जाएंगे एंड इसे हम जूम करेंगे, जैसे जैसे थोड़ा बहुत जूम करेंगे आपको दिखना चालू हो जाएगा ये। एंड फिर से जाएंगे हम इसे यहाँ पे जाके अच्छे से एडजस्ट कर देंगे एक्स वाई पे। अब पहला मेरा हो गया, आप सेकंड वाले पे जाएंगे, इसे भी वही करेंगे, बस ऐसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे, जेड वाले सेक्शन पे टाइप करके जूम करेंगे, हल्का जूम करेंगे तो ये दिखना चालू हो जाएगा। फिर से एक्स वाई में जाकर इसे हम अच्छे से एडजस्ट कर देंगे बीच में लाकर इस तरीके से। फिर थर्ड वाले पे जाएंगे, बस इसे हम भी वो ऐसा ही बीच में लाएंगे, इस तरीके से आपको बीच में लाना है इस तरीके से, और जेड वाले सेक्शन पर जाकर इसे जूम करना है। ओके, इजी है, देख दो ना, फिर
चलो थर्ड वाला काम भी हो गया, इतना ज़्यादा नहीं बस इतना। चलो ये हो गया, आप फोर्थ में जाएंगे एंड फोर्थ वाले को अभी हम लाएंगे। अभी तक फोर्थ वाला यहाँ पे छिपा हुआ था बेचारा, तो इसे हम ऐसे करेंगे एंड जेड वाले सेक्शन पे टैप करके इसे हम जूम कर देंगे। ओके एंड फिर से अच्छे ढंग से एडजस्ट कर देंगे। आई होप अच्छे ढंग से समझ गए। एंड यहाँ पे देखो आप दोनों की के बीच में आपको एक की फ्रेम लगाना है, तो की फ्रेम इस पे टैप करो एंड इसे हम थोड़ा सा इधर चढ़ाएंगे और इसे थोड़ा सा इधर चढ़ाएंगे, नहीं इसे चढ़ाते हैं इधर और इसे इतना रखते हैं, छोटा रखते हैं। अब इसे इस कर्व को हम कॉपी करके सभी में हम पेस्ट कर देते हैं, सभी में हम पेस्ट की फॉर ऑल की फ्रेम इस तरीके से। अब वीडियो को मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ तो आप अच्छे ढंग से समझिएगा। देखिए ये पहला हो गया लैरिक से बंधन, तो प्यार का बंधन है, जन्मों का और फिर लास्ट में आपका संगम है। ओके तो आई होप वीडियो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। एक्सपोर्ट वाले सेक्शन पर टाइप करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लो। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कल के किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।